जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ओटीटी पर क्या कुछ रिलीज होगा इसकी पूरी लिस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज अपना फेस वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कोल्ड है मुझे थोड़ा सा, वो आपको मेरी साउंड में भी सुनाई दे रहा होगा। इसीलिए दोस्तों आज वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सिर्फ फोकस करेंगे कॉन्टेंट पर, और आज कोई नाम भी नहीं लूँगा आप लोगों के, जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी वो अगले वीडियो के लिए सिक्योर करते हैं। आज सिर्फ बात करते हैं कॉन्टेंट की, जहाँ शुरुआत करते हैं दोस्तों कल से जो रिलीजेज हो चुकी हैं। वहाँ रिलीज़ हुआ है टिकट टू पैराडाइस, ये एक ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कल से बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है। और इसी के साथ साथ स्माइल, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, इसे हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों बुक माई शो पर स्ट्रीम पर अब रिलीज कर दिया गया, जो कि सिनेमाज में रिलीज हुई थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। अब बात करते हैं दोस्तों 5 जनवरी यानी कि आज की रिलीजेस की, जहाँ पहला रिलीज है कोपेनहेगन काउबॉय, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 6 एपिसोड डैनिश थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी, इंग्लिश और डैनिश 3 लैंग्वेजेस में आज 5 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ वुमेन ऑफ द डेड, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 6 एपिसोड जर्मन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी, इंग्लिश और जर्मन 3 लैंग्वेजेस में 5 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ जिनी एंड जॉर्जिया का सीज़न 2, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 10 एपिसोड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में 5 जनवरी से रिलीज़ किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अ स्पिन अराउंड दुबई, ये एक डॉक्यू सीरीज है जिसे एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर आज से रिलीज़ किया जाएगा। और बड़ा रिलीज होगा दोस्तों हे केम छो लंडन, जो कि एक गुजराती कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शेमारू मी के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 5 जनवरी से रिलीज कर दिया गया है रात 12 बजे से। अब बात करते हैं दोस्तों 6 जनवरी यानी कि फ्राइडे की रिलीजेस की, जहां पहले बात करते हैं वेब सीरीज की। तो ताज़ा खबर, ये भुवन भाम और श्रेया पिलगांवकर लीड में रखते हुए एक मीडिया बेस्ड सीरीज है, जिसे हिंदी लैंग्वेज में डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ द रिग, ये एक अमेजॉन ओरिजिनल 6 एपिसोड सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पे 6 जनवरी से इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। और अगर मीडिया हाउसेस की माने तो हाई चांसेस है कि इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। इसी के साथ साथ मुंबई माफिया, जो कि एक पुलिस वर्सेस अंडरवर्ल्ड की कहानी है, एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, इसे नेटफ्लिक्स पे दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, और ये आपको 90s के मुंबई की कहानी दिखाएगी। और वहीं दोस्तों 3 Cs चॉइसेस चांसेस एंड चेंजेस, जो कि एक सोने लिव इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन क्रिमिनल क्राइम थ्रिलर सीरीज है, इसे सोने लिव पे हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम सभी लैंग्वेजेस में 6 जनवरी से रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों शिकारपुर, ये एक नई क्राइम सीरीज है जो बंगाली सीरीज है, और इसे बंगाली लैंग्वेज में Z5 के प्लेटफॉर्म पे 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगाथा क्रिस्टी, ये एक VR OTT स्वेडिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसे दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो और VR OTT पे हिंदी, तमिल, तेलुगु और स्वेडिश लैंग्वेजेस में 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ स्टोरी ऑफ थिंग्स, ये एक अपकमिंग सोने लिव 5 एपिसोड तमिल लैंग्वेज एंथोलॉजी सीरीज है, जिसे सोने लिव के प्लेटफॉर्म पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली सभी लैंग्वेजेस में एक साथ 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ द फाइल्स ऑफ यंग किंडाइची, ये एक जापानीज हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसे डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे अब हिंदी और जापानीज 2 लैंग्वेजेस में दोस्तों 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा, और इसकी रेटिंग है 7 की। काफ़ी सारी मूवीज़ भी OTT पे दोस्तों 6 जनवरी को रिलीज होने जा रही हैं। शुरुआत करते हैं सऊदी वेलाका के साथ, जो कि एक सोनी लिव एक्सक्लूसिव इंडियन मलयालम लैंग्वेज सोशल ड्रामा फिल्म है, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 की। और अच्छी बात यह है कि सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, तो हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा इन लैंग्वेजेज में आपको सऊदी वेलाका देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ सिनम, जो कि एक इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, इसका वर्ल्ड TV प्रीमियर होगा सोनी मैक्स के चैनल पे 6 जनवरी की रात को 8 बजे से, और अब आप सिनेमा आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन 6 जनवरी का सबसे बड़ा रिलीज है ऊंचाई मूवी, जो कि एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसकी लीड में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डैनी डेंजोंगपा, परिणीति चोपड़ा और नीना गुप्ता, और दोस्तों इसे डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा Z5 के प्लेटफॉर्म पे 6 जनवरी से। इसी के साथ साथ Z5 पे आपको देखने को मिलेगी बाबे भंगड़ा पौंदे ने, जो कि एक पंजाबी लैंग्वेज म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक फिल्म है, जिसकी लीड में दिलजीत दोसांझ और सरगुज मेहता, और इसे दोस्तों Z5 के प्लेटफॉर्म पे पंजाबी लैंग्वेज में 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा।
एक और पंजाबी मूवी जिसका नाम है रंज, ये लास्ट ईयर सिनेमाज में रिलीज हुई थी और अब दोस्तों ये प्रीमियर करने जा रही है चौपाल टीवी के प्लेटफॉर्म पे, और 6 जनवरी को आपको रंज मूवी चौपाल टीवी पे पंजाबी में देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ हिट द सेकंड केस, जो कि अमेजॉन प्राइम पे कुछ दिन पहले वीओडी पे रिलीज हुई थी, अब इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री कर लिया जाएगा और हिट द सेकंड केस को अमेजॉन प्राइम पे आप तेलुगु लैंग्वेज में अब 6 जनवरी से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ नाई सेकार रिटर्न्स, जो कि एक तमिल कॉमेडी ड्रामा मूवी है, इसे नेटफ्लिक्स पे 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया जाएगा, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन लैंग्वेजेस में आपको नाई सेकार रिटर्न्स अब नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ द पेल ब्लू आई, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पीरियड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 6 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। बात करूं 7 जनवरी की, तो बड़ा रिलीज है थाई मसाज, जिसकी लीड में गजराज राव, देवेंद्र शर्मा, और दिसंबर 2022 में मूवी सिनेमाज में रिलीज हुई थी और अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर करने जा रही है 7 जनवरी को। थाई मसाज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। बात करूं दोस्तों एक सीरीज की, तो स्कूल 2017, जो कि एक साउथ कोरियन कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, इसे दोस्तों आहा के प्लेटफॉर्म पे तेलुगु लैंग्वेज में 7 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। बात करूं 9 जनवरी की, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि विक्रम वेदा 9 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन आज 5 तारीख हो गई है और अभी तक इसकी कोई भी अपडेट, इसकी अनाउंसमेंट नहीं आई है, ना वूट की तरफ से ना जियो सिनेमा की तरफ से। तो अब मैं थोड़ा डाउटफुल हूं कि विक्रम वेदा क्या रिलीज़ होगी 9 जनवरी को। तो मेरी आपसे सलाह दोस्तों इस टाइम पे यही है कि आप इसकी उम्मीद फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जब तक चैनल अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक मैं दोस्तों कन्फर्म नहीं करूँगा कि ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट लिस्ट अगले आने वाले कुछ दिनों की, जो मैंने आपको डिटेल में दे दी है। इसके अलावा कुछ मिस कर गया हूँ तो वो भी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आज अगर कुछ सरप्राइज रिलीजेज होती हैं जो यहाँ पर मैंने कवर नहीं किए हैं, तो वो भी दोस्तों कल के वीडियो में आपको कवर करके दे दूंगा। तो यानी कि पूरा आपको कॉन्टेंट जो 6 जनवरी को मिलने वाला है उसका कल एक शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो काइंडली आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकें। और दोस्तों इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मेरे चैनल पेज पे ही मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।